कुरान मजीद से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, सूरह फातिहा कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसे अगर हर रकात में ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं सूरह फातिहा को अल्लाह ने कुरान के शुरू में ही क्यों रखा है? क्योंकि सूरह फातिहा कुरान मजीद का दरवाजा है, ये दुआ है जो बंदा अपने रब से करता है और सारा कुरान इस दुआ का जवाब है। नंबर 3, कुरान मजीद की सूरत इजा जा नसरुल्लाह जब नाजिल हुई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझ लिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का इशारा है। नंबर 4, कुरान मजीद की सूरह तौबा ऐसी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। नंबर 5, कुरान मजीद की सूरह नमल ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा आया है। नंबर 6, कुरान मजीद में 3 ऐसे आदमियों का जिक्र आया है जो नबी तो नहीं थे मगर उन्हें अच्छे अल्फाज से पुकारा गया है। वो 3 आदमी है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, अजीज मिस्र और ज़ुलकरनैन। नंबर 7, कुरान मजीद में सिर्फ 1 खातून का जाति नाम आया है और वो खातून है बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। नंबर 8, कुरान मजीद के अल्फाज खुद अल्लाह पाक के हैं जो अजीम शान बड़े अर्श का मालिक है। नंबर 9, कुरान मजीद में सिर्फ 1 सहाबी का नाम आया है जिनका नाम हजरत जैद बिन हारिस।